नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। तो अभी हम थे टांडी में, और टांडी में हमने किया लंच, और जो तिब्बतन फूड था उसका लंच किया हमने। तो अब हम जा रहे हैं जिस्पा की ओर। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारा आज का स्टे होगा और कहाँ तक हम आज पहुँच पाएंगे। तो हम पहुँचने वाले हैं अब केलोंग, लेकिन केलोंग से पहले ये एक नया ब्रिज बन रहा है और इस पे काम चल रहा है, और इसके वजह से लगा हुआ है छोटा सा एक जाम। तो जैसे ही जेसीबी हटती है यहाँ से तो हम अपनी गाड़ी निकालते हैं। अगर आप जा रहे हो मनाली से लेह की ओर, तो केलोंग में इंडियन ऑयल का ये पेट्रोल पंप है, और ये पेट्रोल पंप लास्ट पेट्रोल पंप है इस रूट का। इसके बाद लेह में ही पेट्रोल मिलेगा। तो जब भी आप यहाँ से गुजरें तो आप अपने पेट्रोल टैंक को ज़रूर से टॉपअप करा लें। जिस्पा रह गया है यहाँ से 7 किलोमीटर, लेकिन जिस्पा दिखने लग गया है। जिस्पा से पहले कुछ कैंप साइट्स पड़ती हैं, तो वो यहाँ से दिखने लग गई हैं। और जिस्पा इस रूट पे रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि बराबर से एक नदी जा रही है, कैंप साइट है, और सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी आती है जिस्पा की। तो काफी लोग अब मनाली से भी जिस्पा जाके रुकने लगे। तो हम पहुंच गए हैं अब जिस्पा, और कोशिश कर रहे हैं कि हम आज यहीं पे स्टे करें। कोई अच्छी सी जगह मिलती है तो हम यहीं रुकेंगे, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा अब शाम जैसा हो रहा है। और तो अब हम जिप्सा में ही रुक रहे हैं, और हमने देख ली है ये एक जगह, यहीं पे अब हम लगाएंगे अपना कैंप। तो कैंपिंग के लिए हमें जगह मिली है आज बहुत ही अच्छी, बिल्कुल नदी के किनारे पे आज हम कैंप लगा रहे हैं। और ये पूरा कैंप का ही एरिया है, इस साइड में भी आपको कैंप दिख रहे हैं, और थोड़ा दूर भी उस साइड भी देखेंगे तो भी कैंप दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे अभी भी चिल आउट कर रहे हैं, लेकिन ये रात को रुकेंगे। गाड़ी हो रही है हमारी बहुत टाइट, जहाँ पे भी जो सामान देखा हमने पटक दिया है। तो अब हम थोड़ा सा इसको सेट करेंगे, और उसके बाद हम अपनी किचन को ओपन करेंगे और बनाएंगे यहाँ पे आज हम बढ़िया सा कोई खाना। यहाँ पर भी ना काफी लोग आते हैं, और व्यू बड़ा अच्छा आता है। ऊपर देखिए पहाड़, कितने नुकीले से पहाड़ हैं, आसमान बिल्कुल नीला है, और नीचे नदी है। तो दिन में काफी लोग आते हैं, लेकिन शाम होते होते यहाँ से ना सभी लोग चले भी जाते हैं। तो सुनील भाई ने टेंट लगा दिया है, टेंट खोल के बिल्कुल तैयार कर दिया है। तो बस अब हम बनाएंगे यहाँ पे कुछ खाना पीना, लेकिन लोग इतने आ रहे हैं कि अभी कुछ बनाने का मन कर ही नहीं रहा है। बहुत लोग जानकारियां मांगते हैं, क्वेरी कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा जब ये लोग चले जाएंगे उसके बाद बनाना हम करेंगे खाना शुरू। और यहाँ पे ना व्यू तो वास्तव में बहुत अच्छा आ रहा है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं, देखिए अभी भी ये गाड़ी आ रही है, तो जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनका आना बनता भी है भाई। तो हमने जो आज कैंप लगाया है, तो ये जो रिवर है ये है भागा रिवर, और ये निकलती है बारालाचा पास से। और मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखाया था, ये टांडी में जाके जो एक चंद्रताल से रिवर आती है, चंद्रा रिवर, उसमें जाके ये मिल जाती है, और ये फिर बनती है चंद्रभागा रिवर। चंद्रभागा रिवर यहाँ से लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जब आप मैप पे देखोगे तो इसका नाम है चिनाब। तो सुनील भाई ने टेंट बिल्कुल तैयार कर दिया है, तो बाहर से भी टेंट बिल्कुल तैयार हो गया है, और लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है, उड़ रहा है टेंट। मेरी पहली नाइट है टेंट में, देखूंगा भाई आज कैसी नींद आएगी। और अभी भी लोग कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग अब जाने वाले हो रहे हैं। ये मेरे पीछे है भागा रिवर, और इसका पानी देखो कितना साफ है, बिल्कुल ग्रीन कलर का पानी हो रखा है। तो फ्लो भी ना पानी का यहाँ पे काफी है, ऐसा नहीं है कि फ्लो थोड़ा कम हो। और पत्थर गोल गोल और कलरफुल भाई बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और जो पहाड़ यहाँ से दिखते हैं और जो वैली पूरी दिखती है, वो तो बहुत ही ज्यादा औसम है। तो मजा आ गया आज यहाँ पे नाइट स्टे करके। और जो मेन रिवर है ना, वहां से जो दूसरी साइड वहां पे आप देख रहे हो, तो वहां पे ना एक गड्ढा सा बन गया है, लीक जैसी बन गई है। तो वो पानी बिल्कुल साफ और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो वो कैसे जा रहा है, ये जो नीचे नीचे से पानी जा रहा है, इन पत्थरों के नीचे से मेन रिवर के पानी जो है नीचे नीचे से, ये देख रहे हो ना थोड़ा थोड़ा सा जो पानी जा रहा है, ये बिल्कुल प्रॉपर फिल्टर होके पानी जा रहा है, और ये जाके जो दूसरी साइड लेक जैसा है ना उसमें जाके इकट्ठा हो रहा है। तो मैंने अभी खाना बनाने के लिए भी पानी वहीं से लिया था, तो बिल्कुल ही भाई गजब का पानी साफ है। अभी देखो आप कितना, आपको दिखेगा अभी बहुत साफ पानी है भाई। इस टाइम पे कुछ ऐसी लग रही है ये पूरी वैली, इधर अपना टेंट लगा हुआ है रिवर, और जहाँ ये देखे
तो भाई काफी लोग अब यहाँ से जा चुके हैं और थोड़ा थोड़ा सा अब अंधेरा भी होगा, तो मैं शुरू कर देता हूँ कुछ खाना बनाने की तैयारियाँ। तो सबसे पहले मैं काटता हूँ प्याज, और प्याज की चॉपिंग करने के बाद फिर हम प्रॉपर किचन को ओपन करेंगे, क्योंकि हवा चल रही है काफ़ी बहुत तेज। तो सुनील भाई अभी लगे हुए हैं अपने फ़ोन पे, और उसके बाद फिर वो भी आएंगे और मेरी हेल्प कराएंगे खाने में। तो आज हम बनाने का जो हमारा फाइनल हुआ है वो हुआ है एग करी। तो हम बनाएंगे एग करी, और एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो आटा था, आटा हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि हमने जो लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट में आटा का लिखा तो था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जो दुकानदार था उसने आटा दिया नहीं है, मैंने अभी देखा था। तो पहले हमारा एग करी और रोटियां बनाने का प्लान था, लेकिन अब एग करी के साथ हम बनाएंगे चावल। तो चावल भी खा सकते हैं, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जब हम प्रॉपर वे में कैंपिंग करते हैं और जब ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हर चीज़ ना आपके और हिसाब से नहीं हो सकती, कहीं कोई चीज़ मिलती है कहीं कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो भाई हमारी प्याज भी कट गई है, टमाटर भी कट गए हैं, और सारा कुछ हो गया है तैयार। कटिंग और चॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब फाइनली कुकर निकाल लिया है और अब चावल बनाएंगे, एग करी बनाएंगे, और बस 5 मिनट का और इंतज़ार करते हैं, किचन खोलते हैं अपनी, क्योंकि सुनील भाई अभी गए हुए हैं और मेरा पहला दिन है, तो मेरे को प्रॉपर अभी किचन का जो सिलेंडर है कैसे स्टार्ट होता है वो मेरे को पता नहीं है। तो बस मैं उनका वेट करता हूँ और उसके बाद हम अपनी किचन को करते हैं ओपन। तो भाई हवा तो काफ़ी तेज है, लेकिन खाना तो बनाना ही है, और अब हम अपने किचन को देखिए, खुल जा सिम सिम, और ये खुल गई हमारी किचन। तो अब हम इसे चालू करेंगे, और सबसे पहले हम करेंगे अपने एग बॉईल। तो जैसे ही एग बॉईल होंगे उसके बाद बनेगी फिर एग करी। तो भाई हमने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, तो सबसे पहले तो हम बॉईल करते हैं अंडे, और उसके बाद होंगे दूसरे वाले काम। तो भाई एग हम बॉईल कर चुके हैं, और बॉईल करने के बाद अब हम इनको कर रहे हैं फ्राई। तो ठंड ज़्यादा है यहाँ पे, तो गैस प्रॉपर काम नहीं कर रही है, गैस तो अपना काम प्रॉपर कर रही है लेकिन वेदर की वजह से देर लगती है, तो इनको बॉईल होने में भी टाइम लगा, अब फ्राई होने में भी टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा खाने में लगेगा हमें ज़्यादा टाइम। तो और जैसे ही हमारे ये एग बॉईल होंगे तो हम इसकी बनाएंगे सब्जी, और अभी बनेंगे चावल। अंधेरा हो चुका है, ठंड बहुत है, और हो सकता है कि रात में टेम्परेचर चला जाए माइनस में, और कुकर हमारा तैयार हो रहा है चावलों के लिए। और ये देखिए, ये व्यू आ रहा है, जो कैंप साइट बनी हुई है यहाँ की, उसकी लाइटिंग्स हैं, और ऊपर से आसमान में अभी भी कुछ कुछ लाइट दिख रही है। तो भाई अब मैंने चावल भी बनाने के लिए रख दिए हैं, और बताया था मैंने ठंड की वजह से टाइम लग रहा है, तो वो जो फ्राई कर रहा था वो लाइट वेट वाला था, कुकर तो थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है, गर्म देर में होगा। तो लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मज़ा आ रहा है रात में यहाँ पे, और ठंड ठंड तो बहुत है भाई, मैं बार बार कुकर से हाथ टच कर करके अपने हाथों को गर्म कर रहा हूँ, कैप मैंने लगा रखी है, जैकेट मैंने पहन रखी है, और बस जैसे ही ये खाना हमारा बने तो अब तो बस ये लग रहा है कि फटाफट से खाने को हम टेंट में लेके जाएंगे और टेंट में ही बैठ के खाएंगे, क्योंकि बाहर खड़े होके खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, बहुत बिल्कुल जो कानों में घुसने वाली जो हवा होती है ना, वो वाली हवा चल रही है, बहुत ठंडी वाली, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कितनी ठंड है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं भाई, बस थोड़ी देर की और इंतजार। तो फाइनली अब बन रही है अपनी एग करी, और इसके बाद खाएंगे हम खाना।